वो रखे हैं वो ही नहीं। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है आ जाओ, बाद में बात करेंगे ऋषिका। चलो ठीक है, तो बेसिकली ना आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और ब्लॉक नंबर, ये हमारा मेन रहेगा। ठीक है, इतना तो मैं श्योर हूँ कि आपको आज के लेक्चर के बाद कुछ और चीजें भी नहीं पता चलेंगी, या क्वेश्चन को एक करने का नया तरीका डेफिनेटली आज पता चलेगा आज की क्लास से। तो आराम से बैठना, बहुत ज्यादा तुम्हें पता है मुश्किल चैप्टर है नहीं। तो इनके ना हमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सारा मैं याद करवा दूंगी आज, 1s से लेकर जो तुम 7th पीरियड तक पढ़ते हो, कैसे इलेक्ट्रॉन को किस ऑर्डर में फिल किया जाता है, याद करो अकॉर्डिंग टू ओब्बो रूल, या मैं बोलूं N+L रूल के अकॉर्डिंग तुम एनर्जी का ऑर्डर जो है लगाते हो, उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें बताऊंगी, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, ब्लॉक नंबर कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो सारी चीजें करेंगे, एंड उसके तुम PYQs जो है सोल्व कर पाओगे। कुछ क्वेश्चंस मैं क्लास में कराऊंगी और कुछ क्वेश्चंस तुम्हें PYQs और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं क्लास में करा दूंगी, और जो मैंने मॉड्यूल अपलोड कर दूंगी मैं रात को, उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने तुम लोगों को होमवर्क में दिए हैं। बेटा एक बार वेटेज देखो इसकी, अगर तुम इसका वेटेज देखोगे ना तो तुम्हें दिखेगा ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देख पा रहे हो 2023 में सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, देखो 3 साल से एक एक क्वेश्चन आ रहा है, बट हाँ इस साल डेफिनेटली 2 क्वेश्चन ही आएंगे, क्योंकि तुम्हें पता ही है सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं बनता है, ना ही केमिकल बॉन्डिंग से बनता है, ना ही यहाँ से बनता है। और केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए तुम्हें पीरियोडिक वाला समझना पड़ेगा, ठीक है, या पी ब्लॉक करने के लिए तुम्हें पीरियोडिक वाला चैप्टर समझना पड़ेगा। जैसे हम ऑर्गेनिक को करने के लिए जीओसी पढ़ते हैं, वैसे तुम्हें इनऑर्गेनिक को करने के लिए पीरियोडिसिटी पढ़ना ही पड़ेगा। यस स्वाति मैम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से न्यूमेरिकल जाते हैं ना? हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, अगर देखो क्वांटम नंबर से आया तुम्हारा क्वेश्चन तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा, अगर उसके अलावा कोई और टॉपिक से आया तो डेफिनेटली आपका न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है, नहीं तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा, यही दो रहती है पॉसिबिलिटी, सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ओके, तो बेटा आपको पता ही है क्लास स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चंस करने होते हैं, तो ये मुझे क्वेश्चन डाउट बोला था किसी ने, शायद साक्षी ने ही बोला था, मेरा तो एक बार ये करके दिखाओ मेरे को, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा और चेंज कर दिया, मतलब और थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये वो क्वेश्चन नहीं है जो मैंने तुम्हें होमवर्क में, जो रैंक बूस्टर वाला PYQ है ना, उसमें भी सेम क्वेश्चन था, इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो आप एक बार देखना इसको करके क्या आंसर आता है। इन एन एटम विच हैज 2K8L18M2N इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M=0। बेटा जो स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है, प्लीज आप लोग ना गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए, इसमें आप अटेंडेंस मार्क कर दीजिए अपनी, ठीक है, जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन किए हैं, मैंने गूगल फॉर्म शेयर किया है, प्लीज आप इसमें अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, और जिन्होंने कर दी है वो ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए। बेटा इन एन एटम विच हैज 2K, अगर आपको लगता है आपने वो वाला स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लिया है तो ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, जिसका हो जाए वो मुझे बता देना, थोड़ा सा आराम से चलूंगी आज। हाँ बेटा, अगर तुम लोग सिर्फ नीट के PYQs करके जा रहे हो ना पेपर में, तो उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, केमिस्ट्री में ये रिकॉर्ड पैटर्न रहा है कि कभी भी वो PYQ रिपीट नहीं करता एग्जामिनर, फिजिक्स में तो होता है नो डाउट, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं लेकिन PYQ रिपीट नहीं होते, तो आपको और भी क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक है, शिवानी ने हैंड रेस किया है क्या? कोमल आपका भी हो गया है क्या? प्रियांशु मैम कर रहा हूँ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, कोमल बताना कैसे किया बेटा। हाँ कोमल मैम, हमें मतलब के एल एम और एन के लिए एस पी, मतलब एस के लिए भी एम जीरो होता है, पी के और एल में दो एम, दो बार एम जीरो होगा, एम में 3 बार एम जीरो होगा, और
एन में दो ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही ऑर्बिट में एस में ही इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो उसके लिए भी जीरो होगा, तो इसका टोटल आंसर जो आ जाएगा वो 14 आ जाएगा। 14 आ रहा है, और किसी का कुछ और आ रहा है क्या? सबका यही आ रहा है दीपक? यस मैम 14 आ रहा है और मैम, किसी फोर्टीन ही का? आ रहा है, चले फोर्टीन आ ठीक रहा है, है। देखते हैं। देखो इधर आओ बेटा, देखो के का मतलब एन वन है ना, और जब एन वन हो तो सबशेल भी एक ही होती है, यानी कि इसमें 1s2 होगा ना, बस ये मुझे कंफर्म कर दो आप लोग। यस मैम। ओके नेक्स्ट चलते हैं। और एल इज इक्वल, एल का मतलब N2 होगा, यानी कि 2 सबशेल होंगी, तो 2s2p, तो 2p में 6 होते हैं और 2, इसमें 8 ही भर रखे, यानी कि इसी तरीके से फिल होंगे। ठीक है, एम होता है N3, यानी कि 3s 3p 3d, और 18 फिल कर रखे हैं, तो 2 6 और 10, देखना एक बार ध्यान से। ठीक है, इसका एन इज इक्वल टू 4, तो 4s 4p 4d 4f। ठीक है, तो एस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4s2 फिल किया हुआ है। हाँ ठीक है ना, चलिए। अब ml की वैल्यू इसके लिए तो मैम, 0 ही होती है, यानी कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन, जिसकी ml की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0 होगी, क्योंकि s के लिए 0 होती है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन गए, और p में भी एक की क्या होगी? 0 होगी ना, ऐसे करते हैं, +1 0 -1, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4 और 2 6। ठीक है, इसमें भी देखो दो दो दो, कंफर्म करो। ठीक है, करो करो, कंफर्म करो बेटा, क्योंकि यस इम्पोर्टेंट मैम, क्वेश्चन है बेटा, आ सकता है पेपर में, इससे इजी आएगा नीट में, टेंशन ना लो, ये भी इजी है वैसे तो। ठीक है, 2 इसके, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 2 14। 14 ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें मैम, बिल्कुल जीरो से समझाया है। अगर तुम लोगों को, एक मिनट आ रही हूँ बेटा, अगर तुम लोगों को ये चैप्टर आता तो जल्दी कर लोगे वहां पे, लेकिन हाँ बेटा क्रॉस चेक जरूर कर लेना। बोलो। ये क्वेश्चन समझा दो एक बार। किसने पूछा बेटा? शिवानी ने? नो मैम, स्वाति। अच्छा, स्वाति ने। आपने मेरी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की क्लास अटेंड की थी बेटा? नो मैम, वाय बेटा, देखो चलो कोई बात, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये चैप्टर जरूर पढ़ा होना चाहिए बेटा। के एल एम एन का वही तो होता है, एन इज इक्वल टू 1 2 3, यही होता है ना। ठीक है, तो इसमें आपने इसके अकॉर्डिंग भर लिया। यहाँ 2k का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s में मैंने फिल कर दिए। 8 का मतलब ये है, 18 का मतलब ये है, एंड 2 का मतलब 4s में है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे जिनका मैग्नेटिक मूव नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि ml की वैल्यू 0 होगी। तो आपको पता होना चाहिए ml की वैल्यू 0 किसके लिए होती है? s के लिए होती है, s और वाइटल के लिए होती है। तो देख लो, और किसके लिए होती है? p की 3 होती है, तो 1 0 इसको भी असाइन होगी। d में 5 होती है, तो 1 0 उसको भी असाइन होगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो बेट। लेकिन हाँ, अगर ये आपको टॉपिक ही नहीं आता है, जो मैं बोल रही हूँ, हो सकता है टॉपिक ही नहीं आता हो, तो वो आपको पहले वो समझना पड़ेगा बेटा, लास्ट क्वांटम नंबर वाले लेक्चर से। बेटा आप लोग लेट हो गए हैं, जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं, जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं, प्लीज ये गूगल फॉर्म फिल कर दो, अटेंडेंस लगा दो अपनी, है ना, और मुझे बता दो यस मैम हम आए हैं। चलिए बेटा ये वाला क्वेश्चन करो, ये भी बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी अकोमोडेटेड इन एन एटम इन विच द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4। ये होते कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इजी नहीं होते हैं ये क्वेश्चन, ट्रिकी होते हैं क्वेश्चन, गलत करवाने के लिए एग्जामिनर ने तुम्हें दिया है, क्योंकि वहां पे प्रेशर बहुत होता है, जल्दी जल्दी में मार्क करोगे और खो गए नेगेटिव, तो थोड़ा सा रुक जाना है ऐसे क्वेश्चन को देखते। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, और ये नहीं कि अटेंडेंस लगा के भाग जाओगे क्लास से, भागना तो है ही नहीं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड इन एन एटम इन विच द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4। रेज योर हैंड बेटा, गूगल नहीं करना है किसी को। हाँ जी, गलत सही कुछ तो किया होगा ना, कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा आप लोग। ओके, हैंड रेज करो। चलो सारे, साक्षी ने कर लिया है, दिया ने कर लिया है, जिसने रैंक बूस्टर वाले मेरे एमसीक्यूज किए हैं उसने ये कर लिया होगा, बाकी जिसने नहीं भी किए, चैप्टर तो पढ़ा दिया है मैंने,
अनुष्का ने भी कर लिया है, वेरी गुड। और ओके, कोमल ने भी कर लिया है, अर्पिता, अंशिका, निशिका। हो जाएगा बट 1 मिनट चाहिए होगा। 1 मिनट नहीं लगा सकते बेटा, 1 मिनट वाला क्वेश्चन नहीं है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है हो रही है। जेबा अंशिका बताना बेटा। मैम मेरा हुआ तो नहीं है, लेकिन इसको ऐसे कर सकते हैं, जो आपने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला बताया था एन को लेकर, 2 × n² करके, ऑप्शन बट वो ऑप्शन में भी नहीं है ना, पता नहीं आ रहा ना इस वजह से। वही मैं ऑप्शन में नहीं हूँ। है क्या, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ स्टेटमेंट को, अगर तुम चाहते हो ये आंसर तुम्हारा है, प्लीज ध्यान से सुनना। अगर मैं यहाँ पे ये ना लिखूं तो आंसर तुम्हारा 32 आएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच कैन बी अकोमोडेट इन व्हिच हाईएस्ट प्रिंसिपल नंबर इज 4। ठीक है, एन 4 होता है तो इसमें कितने होंगे सबशेल, 4s, 4p, 4d, 4f। ठीक है, यहाँ पे तुम 14 फिल करते हो, 10, 6 और 2, तो तुम्हारा आंसर आ जाता। लेकिन अब ना उसने क्वेश्चन ये नहीं पूछा बच्चे, जो तुम आंसर कर रहे हो, क्वेश्चन को फिर से पढ़ो मेरे कहने पे। उसने पूछा एक एटम की बात कर दी उसने, अब उसने बोल दिया कि मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच कैन एकोमोडेट इन एटम, उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, 4 होता है, यानी कि फोर्थ पीरियड की बात कर रहे हैं। फोर्थ यस मैम। हाँ पीरियड में कौन आता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन। पीरियोडिक टेबल उठाना अपनी, क्रिप्टोन में कितने आते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, इसका फोर्थ ही तो पीरियड है ना, इस एटम में बिफोर मैक्सिमम आ सकते हैं 36 इलेक्ट्रॉन, आंसर इज 36। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखो, जहां पे तुमने इसके नोट्स बनाए हुए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हें कंफ्यूज कर देगा अगर पेपर में आ गया तो। ये फिर मैम 32 32 जब आंसर आएगा उसके लिए क्या क्वेश्चन होना चाहिए? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच कैन बी अकोमोडेट इन व्हिच हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4। एटम नहीं, उसने एटम की बात कर दी अभी हम पे, तभी क्वेश्चन जो है वो चेंज हो गया, समझे। तो अगर मान लो, वैसे तो देखो जो मैं करा रही हूँ उससे भाग जाएगा नहीं, तो अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको थोड़ी बाद में कर लेना, पहले मत करना। जैसे अभी अलीशा ने बोला मैम 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट देने का मतलब है जो क्वेश्चन कम टाइम में हो जाएंगे तुम्हारे, दूसरे केमिस्ट्री के, बायो के, फिजिक्स के, इस क्वेश्चन के चक्कर में तुम वो बोला गवा दोगे मार्क्स। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को आपको सर्कल मार्क करना और बाद में आना है, थोड़े फ्रेश माइंड से थोड़ा सोचना है कि क्या पूछ रहा है एग्जामिनर। हम पर मेरे को अभी भी नहीं समझ में आया कि इसको करा कैसे। हम तो 2n² का फॉर्मूला लगाते तो एटम भी होगा तो वो तो सेम ही रहेगा ना। नहीं रहेगा बच्चे, नहीं रहेगा, उस फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ो। वो क्या था, वो बात कर रहा है एटम अगर मैं हटा देती हूँ तो वो फोर्थ पीरियड में बात कर रहा है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 4s, 4p, 4d, 4f, चार सबशेल होती ना, तो तब आप ये 2n² लगाओगे। अब वो एटम में पूछ रहा है, एटम का पीरियड नंबर 4 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो आप कहोगे मैम और भी एटम होते हैं, हाँ ठीक है होते हैं जिनका पीरियड नंबर 4 होता है, लेकिन उसमें 36 से कम आएंगे इलेक्ट्रॉन। देखो एक बार इधर देखना, इधर आना, इधर आओ, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको क्लास के बाद भी। ये देखो फोर्थ पीरियड में ये रहा ना क्रिप्टोन, देखो उससे पहले देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 35, 34 देख रहे हो, 36 से कम है फोर्थ पीरियड में जितने भी हैं। कैन यू सी दैट, देख रहे हो? मैं कुछ बोलूँ मैम? हाँ जी मैम, क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर दिया है तो इसलिए हम उस पीरियड का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो देखेंगे। आपको बोला हुआ है एटम का मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्रिप्टोन एंड फोर्थ पीरियड में आता है ना बच्चे, यही तो पूछ रखा है, फिर पढ़ना एक बार क्वेश्चन को। मैम मान लो वहां पर कोई और 4 की जगह कोई और नंबर होता है, उसका मतलब हमें पूरी पीरियोडिक टेबल लर्न करनी पड़ेगी। क्यों पीरियोडिक, अभी मैं लर्न कराऊंगी ना पीरियड नंबर, आपको नहीं करनी पड़ेगी। हाँ मैम ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है आपको, क्योंकि ये तो आप, ये तो बच्चे ये तो कर ही सकते हो ना, इधर आओ, ये तो आप लोगों को करना होना चाहिए था, अगर नहीं करा, इधर आओ। आप हीलियम से करते हो ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन, यही पढ़ते हो ना,
तो ये फर्स्ट पीरियड में आता है आप लोगों का, ये सेकेंड पीरियड में आता है, ये थर्ड पीरियड में आता है, ये फोर्थ पीरियड में आता है, ये फिफ्थ पीरियड में आता है, ये सिक्स्थ पीरियड में आता है, लो हो गया। हाँ जी, स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था ना, तो इसमें तो वो पीरियोडिक टेबल का माइंड में ही नहीं आया। कोई नहीं, क्वांटम नंबर का, तो क्वांटम नंबर तो रिलेटेड है आपके पीरियोडिक से, क्योंकि माना कि मैंने क्लास में नहीं कराया आपको पीरियोडिक वाला, बट पेपर में तो कुछ भी पूछ सकता है ना, क्योंकि एग्जामिनर के अकॉर्डिंग तो आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ के आए हो ना बेटा। मैम हम लोग तो फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सोच रहे हैं और वो तो रिलेटेड ही हो रहा ज्यादा। ठीक है, तो क्रिप्टोन में कितना होता है, 36, 54, 86, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी लिख लिया ना तुमने, लिख लिया ना ये क्वेश्चन नोटबुक में, बस खत्म। मैम 2n स्क्वायर मतलब ये लगेगा ना, जब पूरी फोर्थ पीरियड का पूछ रहे हैं, सिर्फ फोर्थ पीरियड का। हां यस यस यस, कोई नहीं, मतलब मैं, मेरे को सिर्फ तुम लोग 15 मिनट दे दो, ये वाला क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब तुम्हें आज मैं सिखाऊंगी कुछ चीजें। ठीक है, अभी मैं आगे चलूं ना। चलिए देखो भाई, एक बार पीरियोडिक टेबल को अच्छे से देख लो, बहुत अच्छे से, क्योंकि इसके बिना ये चैप्टर हो नहीं पाएगा। तो बेटा यहाँ पे मैं तुम्हें ट्रिक्स तो अब नहीं बताऊंगी कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को लर्न करने के लिए, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, जिसको नहीं पता आप लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर जो है देख सकते हैं बेटा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले दो ब्लॉक आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, अल्कली और अल्कलाइन मेटल, 13 to 18 आपके पी ब्लॉक होंगे। ठीक है, और ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, 13 को आप थर्ड ए भी बोलते हो, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवेंथ ए, एट्थ ए। ठीक है, जो आपके 3 to 12 होते हैं मेरे बच्चों, वो आप लोगों के डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये आपकी 3D सीरीज होती है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। 4D सीरीज होती है, येटरबियम से लेकर कैडमियम, ध्यान से सुन लो, देखने में इजी चैप्टर है ये, येटरबियम टू कैडमियम। ठीक है, यहाँ पे आपका लेंथनम आता है, जो आपकी 4D सीरीज है उसमें लेंथनम से मरकरी तक है, और यहाँ पे एक कलर चेंज कर देती हूँ मैं, एक्टिनियम है, एक्टिनियम से लेकर ये लास्ट वाला। ठीक है, इसका नाम मेरे को कोपरशियम है शायद, इसका नाम मुझे भी याद नहीं है, तुम्हें याद नहीं करना। ठीक है, हाँ वो है आप लोगों का 3rd, 4th, 5th, 6th, 6D सीरीज है। ठीक है जी, देख रहे हो आप। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये भी ध्यान रखना, लेंथन और एक्टिनोइड्स, लेंथनम और एक्टिनियम आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, मैं आपको ऑलरेडी वो पढ़ा चुकी हूँ है ना। और अगर मैं बात करूं लेंथनोइड्स की, तो सीरियम से लेकर लुटेशियम आपके लेंथनोइड्स हैं, थोरियम से लेकर रोलेंशियम आपके एक्टिनोइड्स हैं, और इन सबको टिप्स पे याद होने चाहिए। कोई ऐसा बच्चा है जिसने अटेंडेंस नहीं फिल किया जो मैंने गूगल फॉर्म शेयर किया था? मैम मैंने नहीं फिल हो रहा है क्या? नो मैम। क्या प्रॉब्लम हो रही है? ओके नॉर्मली, कुछ प्रॉब्लम तो आई नहीं मैम, मेरे डिवाइस में भी नहीं होता ओपन, मैं अपने भाई के फोन से करती हूँ। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें पर्सनली शेयर कर दूंगी विशाली। ठीक है, चलो आओ उसको वो कर लेना, किसी और के फोन में ओपन कर लेना। ठीक है, तो मैं अब डायरेक्ट आपके स्टार्ट कर रही हूँ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जो ये डोबरनेयर, ट्राइड है, न्यूलेन, लो ऑफ ऑक्टेव है, मैं नहीं पढ़ा रही हूँ वो, क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है। अगर सिलेबस में मेंशन होता मैं तब भी ना पढ़ाती, क्योंकि उसको आपको रीड करना है और कर लेना उसको। ठीक है, मैं डायरेक्ट आऊंगी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। बेटा लॉन्ग जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक लो है, उसमें जो आपके एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया, उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। ठीक है, पता है ना ये चीज, एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स को रखा गया पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बोहर बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सिर्फ मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए। आपको ध्यान रखना है 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, और हम इनका आईयूपीएक नेमिंग भी करेंगे। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में गिवन है, आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन एक बार आया था 2022 में आया था, उसके बाद नहीं आया आईयूपीएक पे एलिमेंट्स के, तो हो सकता है इस बार आ जाए। ठीक है जी, आगे चलो। पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए यहाँ बनने के लिए रेडी है, एक बार पढ़ना है इसको। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड। इस क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से, मतलब इसको मैं एक और तरीके से बोल सकती हूँ, हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पीरियड। ठीक है, और तीसरा यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे जो भी मैं तुम्हें ट्रिक बताने वाली हूँ, उससे तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चुटकियों में लिख लोगे। अब ध्यान से सुनना, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे तुम लोग लिखते जाओ, वैसे वैसे तुम लिखते जाओ। ठीक है, देखो सबसे पहले लिखो 1s, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ बिल्कुल वैसे वैसे तुम्हें लिखना है।
फिर लिखो 2s2p और थोड़ा सा स्पेस दे देना जैसे मैं दे रही हूँ 2s2p, फिर लिखो 3s3p, इस पे अपन को 15 मिनट लग जाएंगे इस स्लाइड पे, ठीक है। फिर 4s4p, 5s5p, 6s6p, 7s7p, लिखो एक बार इसको, आराम आराम से लिखना, जल्दबाजी नहीं है, लिखो एक बार। लिख लिया बच्चों? यस मैम। 39 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लिए हैं। बेटा लीव मत करना क्लास, मैं अब लास्ट में गूगल फॉर्म शेयर करूंगी, बार बार नहीं करूंगी। इतना लिख लिया, फिर आपको आना है 4s पे, यहाँ पे लिखो 3d, ठीक है। 4s वाली रो में आपको 3d लिखना है, फिर आगे चलते जाओ 4d, 5d, 6d, लिखो इसको। लिख लिया? लिख लिया। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी थोड़ी, कि 6s के बाद आपको 6s वाली, 6 वाली रो में आपको 4f लिखना है उसके बाद, और 4f के बाद नीचे 5f, बस लिखो इसको। इससे आपके सारे ऐसे वाले टाइप के क्वेश्चंस जो हैं बन जाएंगे, पहले लिख लो ये एक बार आप, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, ये आपका फर्स्ट पीरियड है, ये आपका सेकेंड पीरियड है, ये पीरियड नंबर लिख रही हूँ मैं, ठीक है। ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स्थ पीरियड है, ये सेवेंथ पीरियड है। अरे ये क्या हो गया, सेवेंथ पीरियड है, लिखो इसको। हो गया? यस मैम। चलो आगे, बस मुझे ये बताना, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। चलो अब मुझे बताना 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम? टू। और यहाँ पे लिखो दो ही एलिमेंट होते हैं, लिखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं फर्स्ट पीरियड में मैक्सिमम, और मतलब 1s में बोल रही हूँ, और फर्स्ट पीरियड में दो ही एलिमेंट है। इधर देखो, नजर मारो, हाइड्रोजन और हीलियम, हो गया ये वाली चीज? यस मैम। चलो आगे बढ़ो, आगे आओ, इसमें 2s2, 2p6, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 ही एलिमेंट है। आना एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, मतलब सही जा रहे हैं। अब हम वापस वापस नहीं आएंगे इस पे। 3s2, 3p6, आप अपने पीरियोडिक टेबल ओपन करके रखिए, इसमें भी 8 एलिमेंट्स होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। 3s2, 3p6, 8 इलेक्ट्रॉन ना, ठीक है। चलिए आगे चले, इसमें देखो 18 मैम, 18 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि फोर्थ वाले पीरियड में कौन कौन सी आपके और वाइटल फिर हो रहे हैं, 4s, 3d, 4p, देख रहे हो। 4s में होगा तो मैक्सिमम उसमें 2 आ सकते हैं, d वाला है तो 10 आ सकते हैं, p वाला है तो 6 आ सकते हैं, फिफ्थ में 2, 10, 6, 18, आगे चलो 2, 14, इधर आओ 10, 6, कितना हो गया 32, और यहाँ पे भी सेम, इसको फिल करो ऐसे, इसी इसी मैनर में करना, एक कुछ भी इधर उधर नहीं करना, फिर वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, फिर वो नहीं समझ पाओगे जो मैं समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को। ये तो सबको याद रहते हैं बचपन से ही, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, और ना ही इसमें से ये क्वेश्चन आएगा कि भैया सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं। इससे जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो समझो, इससे अपन ने क्या क्या कर लिया बच्चे, इससे इससे अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लिया, पता है तुम लोगों को, इससे अपने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लिया। कैसे, ये देखो 1s, फिर से लिखो जो मैंने आप लोगों को अभी सिखाया, दोबारा लिखो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, लिखो अपने आप लिखो, 4s, 4p, 5s, 5p, 6s, 6p, 7s, 7p, लिख लिया। अब यहाँ पे आओ 4s में, 3d, 4d, 5d, 6d, 4f, 5f, लिख लिया सबने, बस यही तो तुम्हारा ऑर्डर है, यही तो तुम्हारा ऑर्डर है भाई। ये देखो ना, पहले 1s फिल करते हो, फिर 2s, उसको भी देखते जाओ जो यहाँ पे मैंने स्निप लगाया हुआ है, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, 3d, 4p, देखना सही चल रहा है यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 4p के बाद 5s, फिर 4d, फिर 5p, ठीक है, सही चल रहा है। 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f,
सही चल रहा है ना, देखते भी जाओ 5F 6D 7P 8S नहीं याद करना तुम्हें, ठीक है? ये देखो बस कर दिया, इससे ही हो गया अब अपना खत्म, सिर्फ ये लिखने आना चाहिए तो हो जाएगा। ठीक है चलो, अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ मुझे और भी लिखना है कुछ, ठीक है? इसको लिख लो, यानी कि तुमने एक चीज तो सीख ली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे तुम मजे से, ठीक है? मजे से लिख लोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर पेपर में आया ऐसा क्वेश्चन तो फटाफट से ये लिख देना पेपर में, कितने मिनट, एक कितने मिनट भी नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी लिख लोगे कुछ सेकेंड्स में ही, ठीक है बच्चे? उसके अलावा तुम्हें और क्या ध्यान रखना है, हीलियम लिखो लिखो, हीलियम, नियोन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, लिखो इसको। उसके बाद एक और एलिमेंट आता है ओजी, ओजी, ओजी करके याद रखो, नाम कोई नहीं पूछ रहा तुमसे, ठीक है? कितने होते हैं इसका एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2, 10, 18, क्रिप्टोन इज 36, 54, 86 और 118, ठीक है? दिस बिलोंग्स टू फर्स्ट पीरियड, लिखो इसको अपने हाथ से, फर्स्ट पीरियड, बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, गुंजन बेटा नोटबुक में लिखो, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, जब मैं क्वेश्चन कराऊं तब मजे से आप चैट बॉक्स में करना जितना करना है, सेवेंथ पीरियड, लिखो इसको, लिखो इसको, लिख लिया, लिख लिया? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बोलूं, इधर देखो, अगर तुम्हें किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो तुम कैसे लिख सकते हो? पीएनजी, पीएनजी क्या है मैम? प्रीवियस नोबल गैस, एनएस, पहले सुन लो, एन माइनस टू एफ, एन माइनस वन डी और एनपी, देखना यही तो मैंने लिखवाया, यही तो मैं लिखवा रही हूँ, इधर देखना, एनएस, एन माइनस टू एफ, एन माइनस वन डी और एनएस, और इसके आगे के इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तुम्हारी नोबल गैस होगी। बोलो, अगर मैं बोलूं तुम्हें, इधर आओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं, क्या कोई भी एलिमेंट ले लो, सपोज अपन ले लेते हैं एटॉमिक नंबर ले लेते हैं सपोज 25, तो 25 के पास वाली नोबल गैस कौन सी है बताना, 18, अच्छा 18, कौन से पीरियड की है ये, थर्ड पीरियड की, ये लाल होनी चाहिए, यानी कि जो एन होगा ये 4s होगा, F तो फिल होगा नहीं इसमें, ठीक है? तो क्या होगा, n माइनस वन यानी कि 3d, देख रहे हो इधर, ठीक है? जल्दी बताओ, ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा ये तो होगा ही बात इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो अब अभी गलती मत करना, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन भी करवाऊंगी, पहले कुछ और समझ लो चीजें। उसके बाद आता है सेकंड टॉपिक, पहला क्या था मेरा, फर्स्ट टॉपिक था जहां पे मैंने आपको सिखाना था हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, और कितने कितने इलेक्ट्रॉन जो है फिल कर सकते हो, जिस क्योंकि जिस पीरियड की आप बात करोगे उसमें कौन कौन से आपके ऑर्बिटल फिल हो रहे हैं और उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम चीज हो गई, तो ये सीखी अभी ने। सेकेंड चीज हमें सीखनी है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, अगर तुम्हें कोई भी एलिमेंट दे दिया, मतलब कोई भी एटॉमिक नंबर जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 100 से ऊपर है, क्या है 100 से ऊपर है, तो उस केस में उसका आयुपक नेमिंग कैसे करोगे? तो उसके लिए सबसे पहले ये बहुत सिंपल, अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो फ्री के नंबर है, जीरो के लिए यू विल यूज निल, वन अन, टू के लिए बाई, तीन के लिए ट्राई, क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, एस के लिए 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, एन। अब यहाँ पे वो ऑक्टाहेड्रल में मत आप लोग थोड़ा घुस जाना, मैम ऑक्टाहेड्रल वो अलग चीजें थी, ये अलग चीज है, ठीक है? सेप्ट, ऑक्ट, एन, तो ये आपको पता होना चाहिए, एक बार इसको जल्दी से एक बार याद करो अभी के अभी, जिसको आता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं याद है अभी करो याद,
जीरो वन टू थ्री, हालांकि नो डाउट चांसेस कम है इन वाले टॉपिक से क्वेश्चन आने के, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ चांसेस रहते हैं तुम्हारे पीरियोडिक ट्रेंड से, आयनाइजेशन एनर्जी, उसको भी करेंगे बट इसको भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, हो गया। चलिए, जैसे सपोज मेरे पास है 101, तो 101 के लिए 1 को तुम बोलोगे अन निल, अन पीछे लगा देंगे आई यू एम ई एम। जैसे तुम्हारे पास है सपोज 117, अन अन सेप्ट ई एम, पीछे ई एम लगाना है तुम्हें, क्लियर है? ये देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये सब कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 101 को कैसे लिखोगे, ठीक है, 101 से लेकर 118 तक दिए हुए हैं, इतने ही तुम्हें करने हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा भी पूछे 119 का, 120 का, तो तुम बता सकते हो, ठीक है। ये देखो सिंबल भी तुम्हें लिखना आना चाहिए। सिंबल कैसे लिखोगे, जैसे मान लो आपको पहला वर्ड पकड़ना है, अन का फर्स्ट वर्ड है यू, नील का फर्स्ट वर्ड इज एन, अन का फर्स्ट वर्ड इज यू, तो सिंबल इज यू एन यू, क्लियर हो गया? कर सकते हो ये वाला, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो। yes, मैम इसको भी लर्न करना है क्या? देखो करना तो है, पर इसको मैं लास्ट में कराऊंगी अपने तरीके से, ठीक है। इसका जो आईयूपीएसी है 2020 में इससे क्वेश्चन आया था, मैच द फॉलोइंग, तो इसको लर्न यस आप लोगों को करना है। इसके नाम याद नहीं होंगे तो चलेगा, लेकिन सिंबल जरूर याद होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत आइडिया भी है ना कि इसके नीचे ये होता है, तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। एक बार जल्दी से कर लो इसको। तो यार इसमें तो जो आयुपैक नेम है इसमें गिनेचुरे नाम ही आते के सारे, कोई भी आ सकता है ये वाले ऑफिशियल नेम। हाँ मैम, इसमें तो इसमें मेंडेलीवियम हो गया, रदरफोर्डियम और सीबोर्जियम, तीन तो देखे हैं मैंने। नहीं सारे देखने, कोई बात नहीं, मैं इसकी ट्रिक बताऊंगी तो मैं याद करने की, ठीक है, डोंट वरी। अभी तक मैम इसके लास्ट में आईयूएम हमेशा लगाना है 100 से ऊपर वालों में, और क्या लगाना है ये, ठीक है। चलूं आगे, यानी कि अभी तक दो चीजें सीखी है मैंने, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाई है, नोमेनक्लेचर कैसे करना अभी तक ये सिखाया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सुनो, 1 2 3 4 5 6 नहीं 5 क्वेश्चन आ जाओ। नीट में मेरे को इतने ज्यादा मिले नहीं, तो मैंने सोचा थोड़े अलग क्वेश्चन, मतलब जो नीट में आने के चांसेस है। वैसे यही सेम क्वेश्चन तुम्हारा 2022 में भी था नीट में, तो इसलिए मैं बोलती हूँ जेई के भी कर सकते हो तुम क्वेश्चन प्रीवियस कुछ 5 साल के। सिंपल है, ठीक है, चैट बॉक्स में लिखोगे इसका आंसर, और क्लास लीव मत करना जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया है बेटा अटेंडेंस का, मैं आपको लास्ट में शेयर करूंगी, मैं दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ। डी आएगा आंसर इसका, वेरी गुड, ठीक है। 109, अन निल इन इन, मतलब इन मतलब ई डबल एन, इन अन बोलते हैं इसको, इन ई एम, पीछे ई एम लगाना है, तो दिस इज द करेक्ट नेम फॉर अन निल एन एम 109, ठीक है, यस डी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन करो, अभी तक ऐसा क्वेश्चन नीट में नहीं आया है, नीट में ऐसा नहीं आया बट डेफ आ सकता है। इन 6th पीरियड द ऑर्बिटल्स दैट आर फिल्ड आर, 6th पीरियड में से 6th पीरियड में कौन सी ऑर्बिटल्स जो होती है आप फिल करते हो। देखो ऐसे ही आपको फटाफट से विद इन फ्यू सेकेंड्स ऐसे ही आप लोगों को अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। यस डी इज द करेक्ट आंसर। और आपको भी पता, अगर मैं एन प्लस एल रूल देखूं बेटा, तो इसकी एनर्जी सबसे कम है 4f, ये कितना हो जाएगा 4 + 3 = 7, ये भी 7 और ये भी 7, तो जिसकी एनर्जी कम वो पहले फिल होता है, ये तो हमें मालूम ही है, तो ये आप जो है ध्यान रखेंगे, हो जाएगा। yes. चलो yes. क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये बहुत इजी है क्योंकि आपने डी ब्लॉक कर लिया है, अब ये बता दोगे आप आसानी से, लेकिन गलती होने के चांसेस इसमें भी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट फॉर आयरन। मैम इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे ऑप्शन के, आप जो चैट में आ रहे हैं सबके डी है तो कहां से करेंगे। अच्छा तीनों का डी डी आया है क्या आंसर। हाँ मैम। अच्छा चलो कोई नहीं, करो करो आंसर करो मुझे। हाँ डी आएगा,
ठीक है, 4s2 3d6 होता है, आर्गन 4s2 3d6, ठीक है, ये भी तुम्हारा नीट का ही PYQ है। मैम ये आसान क्वेश्चन नीट में देते हैं बेटा, पूरा पेपर ही आसान होता है अगर तुम्हें पता होता है, इजी टू मॉडरेट पेपर होता है तुम लोगों का नीट में। मैम नीट में आसान देते हैं ना, अवंति थोड़ा देते हैं आसान। ठीक है चलो आगे चलते हैं, बट इस बार वी कैन एक्सपेक्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, 20% डिफिकल्ट रहेगा इस बार पेपर नीट का मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, नीट 2015 का है, अब पता नहीं इसमें भी डी आएगा या नहीं आएगा, आई रियली डोंट नो, मुझे इसका आंसर नहीं पता है, तो आप लोग निकालिए, आप लोग बताएंगे मुझे इसका करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+ इज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ द, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर बोल रही हूँ, जिन बच्चों ने नीट के PYQs कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग और क्वेश्चंस भी लगाइए, नीट के सिर्फ क्वेश्चन कर लेने से केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर नहीं आता बेटा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, फिजिक्स में ये चीज डेफिनेटली तुम लोगों के काम आएगी, बहुत काम आएगी अगर तुमने PYQs लगाए हुए हैं तो, बट केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा नहीं आता है काम, ठीक है। तो 2023 का तुम देखोगे ना पेपर, आपको नहीं दिखेगा PYQ में से कुछ भी, कॉन्सेप्ट जरूर दिखेंगे। हाँ जी इस बार तो क्या कह रही हूँ मैम, एक्सपेक्टेशन ही नहीं है क्या कैसा पेपर आएगा इस बार, नहीं जो पढ़ा है वही आएगा। हाँ क्या आंसर आ रहा है, बी आ रहा है सबका है, बी तो नहीं है भाई, मैम इसमें नॉट इक्वल मैम, बी आ रहा है ना, मैम ए आ रहा है, हाँ एक इसका आ रहा है, एक इसका आ रहा है मैम कोमल, ठीक है तो मुझे भी यही लग रहा है इसका आंसर, आओ देखते हैं एक बार, चेक करते हैं, मुझे भी पता है बेटा नॉट इक्वल रखा है, ठीक है देखना एक बार, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन पहले तो देख लो, आयरन में क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ठीक है, क्योंकि Fe+2 की बात कर रहे हैं तो मैं इसको जीरो कर दे रही हूँ, तो डी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, 6 है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डी इलेक्ट्रॉन्स बेटा 6 है, ठीक है। अब बोला नॉट इक्वल टू, ठीक है पहले Mg का लिखते हैं बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2, अरे रुक जाओ अभी रुक जाओ, अभी दे दिया तुम लोगों ने डी आंसर, रुक जाओ, 4 और 6 10 12, तो इसमें s इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने हैं, 4 कितने हैं, सॉरी 6, ठीक है तो ये तो इसके बराबर आ गए, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है जी, ऐसी आयरन में भी कितने हो जाएंगे डी इलेक्ट्रॉन, 6, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है, डी चेंज कर दिया क्या आंसर, चलो देखते हैं, अभी भी डी आ रहा है क्या, एक बार देखते हैं, क्लोरीन में क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 बताओ 3p6. कितना होगा, 3p5 3p6 होगा, 3p5 होगा, 5 4 10 12 और 5 17 मैम 5 ही होगा, ओके इसमें क्या होता है, p इलेक्ट्रॉन्स, p कितने हैं यहाँ पे, 11, हाँ भाई डी ही है, तुम लोग सही थे कोमल, ए नहीं आएगा बेटा फिर, ठीक है ए में भी तो 4 आ रहे हैं, एक मिनट लेट मी चेक, 1s2 2s2 कितना हो गया, 2p6 हम 6 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, अरे तुम 6 आ रहे हैं ना, तो गलत हो गया, ये भी नहीं हो सकता, डी होगा, हो गया ना, यस मैम यस मैम, हाँ कोमल कहाँ गलती होगी, yes, मैम पता नहीं मैंने क्या कर दिया, नो मैम क्यों नहीं आ रहा, बताओ क्या किया तुमने मैम, अगर हम नियोन मैम एक मिनट लेट अस स्पीक, हाँ अलीशा बोलो 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 मैम, नियोन में इसमें पी इलेक्ट्रॉन 6 है, और अगर हम Fe के अकॉर्डिंग देखें तो Fe में हमारे 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं पी में, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है ना, कहाँ पी इलेक्ट्रॉन कहाँ दिए हुए Fe में, डी इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये डी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, पी की कहाँ कर रहा है, नियोन की बात कर रही, जैसे नियोन में जो पी इलेक्ट्रॉन है वो 6 है, हाँ, A option में, और हमारा अगर हम वो वाला देखें Fe2+ में, Fe2+ में P इलेक्ट्रॉन जो है वो 14 आ रहे हैं,
बच्चे क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, इसमें बोला द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+ इज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स इन नियोन। पी थोड़ी ना दिया उसने आपको, उसके डी इलेक्ट्रॉन्स के बराबर देखना है किस किस में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, आ सकते हैं दोबारा पेपर में। ये लास्ट आया था 2015 में। ठीक है, तो डी इज करेक्ट बच्चों। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है बट हाँ स्टिल इम्पोर्टेंट है। चलिए, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 1s2 2s2, पढ़ लो इसको। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट व्हिच इज जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ऐसे क्वेश्चन भी बेटा आते रहते हैं पेपर में। क्या लग रहा है? वैसे बहुत सिंपल है, मतलब अगर आया तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट जरूर करके देगा एग्जामिनर। सी आ रहा है क्या सबका? यस मैम। तो ये मुझे फॉस्फोरस का दिख रहा है, 10, 12, 15, 15। ठीक है, 15 में आपको 18 कितने ऐड करना है, 18 ही करोगे ना? यस मैम। तो 33 आ जाएगा, ये उससे होना था 288 से। ठीक है, चलो ये कर लोगे आप लोग। अब आ जाओ आगे। इनको ना अपनी नोटबुक में प्लीज नोट डाउन कर लेना अगर आपने नहीं लिखी हुई ये चीजें। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी पीरियड नंबर कैसे डिटरमाइन करते हैं, ग्रुप नंबर एंड ब्लॉक नंबर। ध्यान से सुनते जाना जो जो मैंने एक चीज लिखी हुई है, ये आपके मैंने मॉड्यूल से ही लिए ये। ठीक है स्निप, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा गिवन है। ठीक है, इधर देखो सबसे पहला आता है क्वेश्चन आपके पास। अगर मान लो तुम्हारे पास एग्जाम में एग्जामिनर ने एटॉमिक नंबर दे दिया है ना, क्या बोल दिया मैंने, अगर तुम्हें एग्जाम में एटॉमिक नंबर गिवन है तो हाउ टू फाइंड द पीरियड नंबर, हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर एंड ब्लॉक नंबर इफ एटॉमिक नंबर इज गिवन टू यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो जो चीजें मैं बता रही हूं ना ध्यान से सुनते जाओ और यहाँ पे ना बिल्कुल डाल दो अंदर, ताकि नीट तक तो बिल्कुल ना भूलो, बेशक बाद में भूल जाना। लिखो इधर, हालांकि लिखा भी हुआ है 58 से 71 बच्चे लेंथेनोइड्स होते हैं। ये तुम्हें टिप्स पे पता होना चाहिए क्योंकि तुम डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक पढ़ चुके हो। ठीक है, और इनका सिक्स्थ पीरियड होता है बेटा, और ये सिक्स्थ पीरियड के हैं। अगर तुम्हें याद हो लेंथेनोइड्स में 6s में इलेक्ट्रॉन फिल होता है। ठीक है, उसके बाद आता है अगर तुम्हारा 90 से 103 है तो बेटा वो एक्टिनोइड्स हैं, एक्टिनोइड्स हैं और वो सेवेंथ पीरियड है और दोनों ही एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इसको याद करना मुश्किल तो नहीं है ना? नो मैम। ठीक है, और ध्यान रखना जो आपके लेंथेनोइड और एक्टिनोइड्स होते हैं उनका जो ग्रुप नंबर होता है वो क्या होता है बच्चों, थर्ड बी होता है। इधर आना एक बार, कहाँ गया, रुको एक मिनट बेटा, ये देखो, ये देखना एक बार, थर्ड बी में ये रहा लेंथेनम और एक्टिनम। कभी नहीं भूलना इस चीज को, लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स का पीरियड नंबर 6 और 7 होता है, ग्रुप नंबर थर्ड भी रहता है, कौन से ब्लॉक से हैं वो एफ ब्लॉक से हैं, खत्म। तो टिप्स पे आप लोगों को याद होनी चाहिए चीजें 58 to 71, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो क्योंकि आज क्लास में ही लर्न करना है आप लोगों को, घर पे तो सिर्फ रिविजन करके आपको क्वेश्चन लगाने हैं बहुत सारे। 58 to 71 लेंथेनोइड, 6th पीरियड, 90 to 103 एक्टिनोइड्स, 7th पीरियड एफ ब्लॉक, और ग्रुप नंबर होगा इसका थर्ड बी, यानी कि ग्रुप नंबर थर्ड। ठीक है, चलो थर्ड बी याद रखना है, थर्ड बी आपको याद रखना है क्योंकि थर्ड ए बेटा बोरोन फैमिली है। हाँ निगम मैम, मेरी बुक में थर्ड ए दिया है। गलत है, थर्ड ए ये है ग्रुप 13, इसको मैम थर्ड बी कर दिया है। ठीक है, हो जाएगा। कहाँ गया मेरा स्लाइड, ये नहीं, हो जाएगा ना, इसको ठीक कर लेना बेटा, ये पी पी है। ठीक है, हो गया इतना, चलो उसके बाद हम आते हैं, इतना हो गया, आ गया। अगर तुम्हें मान लो एटॉमिक नंबर दे रखे हो 104 या उससे ऊपर, ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर दे रखे हैं 104 या उससे ऊपर
उसके इसमें तुम्हें पीरियड नंबर बताना है, ग्रुप नंबर बताना है और उसका ब्लॉक नंबर बताना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। देखो इसको मैं अलग से करके दिखाती हूँ बेटा, ये वाले करने ना सबसे इजी होते हैं। ध्यान से देखो, इधर देखो, आपको कुछ नहीं करना। अगर तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर ऐसा लिखा हो जिसका एटॉमिक नंबर 104 या उससे ऊपर हो, 118 तक हो, तुम्हें कुछ नहीं करना, लास्ट के दो डिजिट पकड़ लो, वही उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, 18th ग्रुप नोबल गैस, और ये तुम्हारा 12th ग्रुप। खत्म कहानी, खत्म, कुछ करना ही नहीं इसमें। और 104 से लेकर 1118 तक जितने भी बीच में एटॉमिक नंबर आते हैं उनका पीरियड नंबर हमेशा 7 होता है बेटा, ध्यान रखना। रख लिया ध्यान, होगी ये वाली चीज? यस मैम, हो गया। इसका ब्लॉक नंबर गिवन नहीं है आपको, इट मींस वो नहीं करना आप लोगों को, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो वो नहीं करना आप लोगों को। तो अभी तक मैंने ये चीजें बता दी, लेंथेनोइड्स, एक्टिनोइड्स के केस में, और अगर तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर 104 या उससे ऊपर आ जाते हैं उस केस में। बच्चे अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं 119 और 120 इनका ग्रुप क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बताओ, ग्रुप नंबर 1 और ये हो जाएगा तुम्हारा ग्रुप नंबर 2, यानी कि 119 बिलोंग्स टू एल्कली मेटल्स एंड ग्रुप नंबर 120 बिलोंग्स टू एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है ना, बोलो। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो ये क्या लिखा हुआ है, अगर तुम्हें मान लो कोई एटॉमिक नंबर दे दिया जाए, जैसे सिंपल अगर हम छोटे छोटे बात करें, जैसे सपोज तुम्हें दे दिया जाए जेड इज इक्वल टू 33 और तुम्हें बोल दे कि भैया इसका ग्रुप नंबर बताओ, तो एक काम कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, 18 प्लस जो एटोमिक नंबर है वो लगाओ, कितना है 33, और उसके बिल्कुल जो नेक्स्ट नोबल गैस है 33 के आसपास की नोबल गैस कौन से, 36 वाली, ये माइनस कर दो, तो इसको करके देखना कितना आ रहा होगा, 15 आ रहा होगा, आ रहा है क्या? Yes, 15 आएगा। अगर मान लो इनका सम नेगेटिव में आ रहा है, मान लो जब तुम ये कैलकुलेशन कर रहे हो ये नेगेटिव में आ रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ दिस फॉर्मूला इज नेगेटिव देन यूज 32 इंस्टेड ऑफ 18 इन फॉर्मूला। तो ये आप लोगों के पास ना लिखी होनी चाहिए थी, अगर नहीं लिखी हुई बातें तो लिखो अभी, क्योंकि क्वेश्चन करने में बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा। मैम 18 की जगह क्या लिखेंगे? 32। एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ, अगर नहीं दिख रहा है तो 32 लिखोगे अगर नेगेटिव में आ रहा है उसका सम तो। ठीक है, अगर लिख लिया है तो थम्स अप दे दो सो दैट मैं आगे चलूं। ठीक है, चलो इधर देखो। उसके बाद है सेकंड चीज आती है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी हो। एक और चीज मैं बता देती हूँ तुम लोगों के लिए काम आएगी बेटा, अगर तुम्हें मान लो एटॉमिक नंबर गिवन है, ध्यान से सुन लो एक बार, एटॉमिक नंबर इज गिवन, तो आपका आपका जो पीरियड नंबर होगा ना वो किसके बराबर होगा, लिखो, पीरियड नंबर इज इक्वल टू पीरियड नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, नेक्स्ट नोबल गैस। जैसे सपोज तुम्हारा 33 ले लेते हैं, मेरे दिमाग में यही चल रहा है 33, इसके पास की नोबल गैस कौन सी है 36 वाली, उसका पीरियड नंबर कितना है बताओ, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, फोर्थ से बिलोंग करेगा, यानी कि आपका 33। अगर मान लो तुम्हारा एटॉमिक नंबर हो जाए 82, तो इसके पास की नोबल गैस क्या होगी, रेडोन, 86 वाली होगी, और 86 का पीरियड नंबर क्या होगा, सिक्स्थ, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये भी लिख लेना। आई नो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बट ये हो जाएगा क्वेश्चन में, ज्यादा मुश्किल नहीं आता। मैम ये वाला एक बार दोबारा बता दूं। मैं कह रही हूँ बच्चे, अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर गिवन हो, लेट से कि 33 दिया हुआ है, तो तुम्हारा जो पीरियड नंबर होगा यानी कि जो एन की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, पीरियड नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस।
इसके आसपास या नेक्स्ट लिखो, यहाँ पे लिखो नियरेस्ट नोबल गैस, वो ज्यादा बेटर रहेगा। नियरेस्ट नोबल गैस 33 के आसपास की नोबल गैस कौन सी है? 36 वाली। तो उसका 36 वाले का पीरियड नंबर क्या होता है वो मालूम होना चाहिए, फोर्थ। ऐसी 82 के आसपास वाली 86, तो 82 बिलोंग्स टू सिक्स पीरियड। ठीक है, चलिए अब सेकेंड चीज बनती है, तुम्हें अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे रखी हो तो क्या करोगे? तो बच्चे ये बहुत सिंपल होता है, पीरियड नंबर किसके बराबर होगा? जो तुम्हारी हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आएगी ना, वही तुम्हारा पीरियड नंबर होगा। अब मुझे लगता है तुम वो वाला क्वेश्चन आसानी से कर लोगे जो मैं रिवीजन असेसमेंट में लाई थी। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज अपन ले लेते हैं 30। लिखना एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p 5 3s2 3p 5 4s2 3p 6 4s2 2p 6 हो जाएगा ना। अच्छा सॉरी बेटा, 2p 6। ठीक है, 4s2 3d1। आपको देखो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 4। तो ये कॉन्सेप्ट फोर्थ पीरियड से करेगा। ठीक है, तो आप कोई भी लिख सकते हो। 37 का लिख के दिखाना मुझे, 37 एटॉमिक नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ और बताओ कौन से पीरियड से वो बिलोंग करेगा। लिख के बताओ मेरे को जल्दी। हाँ बताओ। मैम 5 से। 5 से बाकी? यस मैम 5 से। पक्का? यस मैम। यस 5s1 आ रहा है क्या? यस मैम। देखो ये तो मैंने पूरा लिख दिया, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आपको इसकी इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन से, 36 क्रिप्टोन है ना, कौन से पीरियड का है वो, फोर्थ। यानी कि एनएस क्या होगा, 5s ही तो होगा फिर। तो डायरेक्ट आप बता सकते हो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 है तो वो फिफ्थ पीरियड से बिलोंग करेगा। तो आई होप ये पीरियड नंबर आप निकाल लोगे इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन टू यू। हालांकि मैंने एटॉमिक नंबर से आप लोगों से पूछा है, हो जाएगा, ये सबसे इजी होता है निकालना। नेक्स्ट आते हैं डिटरमिनेशन ऑफ ग्रुप एंड एलिमेंट, फिर उसके बाद आई थिंक क्वेश्चंस है। यस देखना एक बार, आपको ग्रुप नंबर बताना अब है ना, ग्रुप नंबर देखो। ओके तो कैसे करेंगे देखो, अगर मान लो फॉर एस ब्लॉक ग्रुप नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ठीक है, अगर तुम्हारा एलिमेंट एस ब्लॉक से बिलोंग करता है तो जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, वो आपको देखना है। ठीक है जी, लिखो इसको। लिख लिया क्या? ठीक है, उसके बाद अगर आपका एलिमेंट पी ब्लॉक का है, ठीक है, अगर आपका एलिमेंट पी ब्लॉक का है तो उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे, जितने भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो उसको ऐड कर देना +10। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है आपके वैलेंस शेल में काउंट कर लेना और +10 कर देना, वो आपका हो जाएगा ग्रुप नंबर फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है जी। यस यस मैम। उसके बाद आता है डी ब्लॉक के लिए क्या करना है। डी ब्लॉक के लिए जो आपके n-1d सबशेल है और आपके पास जो वैलेंस शेल है यानी कि ns वाली, उनमें जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कर देना, आप ऐड कर देना, वो आपका क्या आ जाएगा ग्रुप नंबर। जैसे अगर मेरे पास 25 है तो इसमें आर्गन 18 4s2 3d5 होता है, तो अगर मुझे पता लगाना है ये कौन से ग्रुप का है तो 2+5 कर देना, बिलोंग्स टू 7th ग्रुप। ठीक है क्या? बोलो। यस हां जी। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, पी वाले का ले लेते हैं, सिंपल सा मान लेते हैं, अपन ले लेते हैं क्लोरीन, ले लेते हैं क्लोरीन। तो यहाँ पे 3s2 3p3 आता है ना, तो क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n इज इक्वल टू 3, तुम्हारा वैलेंस शेल है, काउंट करो 2+3 5, इसमें 10 ऐड कर दो, तो ये किससे बिलोंग करेगा, 15 से। ये मैंने सिंपल लिया, आपके पास कॉम्प्लिकेट भी आए थोड़ा डिफिकल्ट भी है तो भी कर सकते हो। सबसे इजी होता है ये एफ ब्लॉक का, एफ ब्लॉक वाले मैंने अभी बताया ना तुम्हें, थर्ड बी उसका ग्रुप नंबर रहता है,
और कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना क्योंकि आप पढ़ चुके हो एक्टिन और लेंथेन और एन माइनस टू एफ वन टू फोर्टीन एन माइनस वन. ध्यान रखना डी में या तो जीरो होंगे या वन होंगे. एन एस तुम्हारा कंप्लीटली फिल होता है. ठीक है, तो ऐसे केस में वो एफ ब्लॉक का होगा और अगर एफ ब्लॉक का होगा तो थर्ड बी ग्रुप से वो बिलोंग करेगा. ठीक है जी. यस मैम. हो जाएगा. चलिए. यस मैम. ओके, तो हमने क्या क्या सीख लिया. हमने सीख लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, हमने सीख लिया नेमिंग करना, हमने सीख लिया पीरियड ग्रुप और ब्लॉक नंबर निकालना कि कब कब क्या क्या दे रखा होगा. एटॉमिक नंबर दे रखा होगा तब क्या करना है, किस किस का ध्यान रखना है, और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी होगी तब और ग्रुप नंबर जो है निकालने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना है. ठीक है. फिर मैंने बोलो मैम डी ब्लॉक वाला समझ. डी ब्लॉक में तुम्हें कुछ नहीं करना, जो एन माइनस वन डी में इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, एन माइनस वन डी में पांच, और एन एस में जो है उन दोनों को ऐड करना, फोर फाइव प्लस टू सेवन, यानी कि सेवेंथ ग्रुप से वो बिलोंग करेगा 25 वाला एलिमेंट. ठीक है. चल ये देखो मैंने एनसीईआरटी की स्निपिंग लगाई है बेटा, देखना एक बार पढ़ना इसको, इधर आओ तुम्हें अब समझ में आ जाएगा. द एलिमेंट जेड इज इक्वल टू 117 एंड 120 हैव नॉट येट बीन डिस्कवर्ड, इन विच फैमिली और ग्रुप वुड यू प्लेस दिस एलिमेंट्स एंड ऑल्सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन ईच केस. लिख सकते हो 17 ग्रुप का होगा और दूसरे वाला सेकेंड ग्रुप का होगा. ठीक है, लिख सकते हो. यस मैम. यस मैम. ठीक है, ओके. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी लिख सकते हो. ठीक है, ये देखो ये इन्होंने लिख के दिखा रखी क्योंकि तुमने अब सीख लिया है बेटा. ठीक है, नेक्स्ट आना ये वाली कर सकते हो प्रॉब्लम. हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन फिफ्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. फिफ्थ पीरियड में क्योंकि मैम हमें पता ही है 5s 5p फिल करते हैं और क्या करते हैं फिल बताओ. 4d उनके भूलना नहीं 4D. है बच्चे. तो 10 और 6 इस तरीके से जो है आपके 18 एलिमेंट्स इसमें आ जाते हैं. हो जाएगा. यस मैम. ठीक है, अब एक दो दो तीन चार चार क्वेश्चन मुझे करके दिखाना. ये तो वैसे मैंने करा दिया है फिर भी कर लो. एक काम करो, हैंड रेज करो, चैट बॉक्स में मत लिखना. मैं देखना चाहती हूँ मेरे सुनने के बावजूद कितने बच्चे ऐसे हैं जो हाथ हैंड रेज ही नहीं कर रहे. करना एक बार हैंड रेज और कोई भी चैट बॉक्स में नहीं लिखेगा, अभी पता चल जाएगा कितने बच्चे मेरी बात को सुनते हैं. 14 स्टूडेंट्स ने हैंड रेस किया है, बहुत गलत बात है. 15 करो करो. 17 19 और बस 22 स्टूडेंट्स ने हैंड रेस किया है. मतलब 10 बच्चे अभी भी नहीं सुन रहे हैं बेटा, ध्यान से. क्या होगा इसका आंसर? नीट के क्वेश्चन कर लो बेटा एक बार. ये वाला क्वेश्चन करो सबसे पहले. द एलिमेंट जेड इज इक्वल टू 114 हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. हुआ क्या? यस मैम. आंसर दे. यस मैम. यस मैम. यस मैम. क्या आ रहा है? ए. मैम ए. 14 ग्रुप होगा, 14 ग्रुप कार्बन फैमिली होती है. हालांकि ऑप्शन एलिमिनेट हो गए बट हो सकता है वो किसी और में भी कार्बन फैमिली लिख देता, तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि 114 के जो नियरेस्ट नोबल गैस होगी वो रेडोन की होगी 86. ठीक है ना? यस. हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, ज़िनोन, रेडोन. ठीक है, तो 7s मैंने बोला ना, ns, n-2f, फिर आप n-1d एंड देन np. यही तो इन्होंने फिल करे हुए हैं. 7s2, 7 में से 2 गए 5f14, 6d10 एंड 7p. ये देखो, तो ऐसे तुम्हें आना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन करो. एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, यू विल प्लेस इट इन, कौन से ग्रुप में रखोगे इसको?
मैम थर्ड ग्रुप में, मैम फिफ्थ में रखेंगे मैम, फिफ्थ ग्रुप में, फिफ्थ में रखेंगे क्या बता? यस मैम, मैम सॉरी 15 में रखेंगे। यस मैम, मैम 15 में रखेंगे ना, नहीं फिफ्थ में रखेंगे सर, फिफ्थ में, गलती से बोल दिया, फिफ्थ में रखेंगे। देखो अगर मैं बात करूं इसके पीरियड नंबर की तो वो 4 होगा। यस मैम, यस मैम, ठीक है। अगर मैं बात करूं कौन से ब्लॉक का होगा तो कौन से ब्लॉक का कैसे पता लगाते हैं, जिस जिस ऑर्बिटल में, जिस लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ये 3 4s में नहीं जा रहे हैं बेटा, 4s पहले फिल होता है फिर 3d फिल होता है, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है ये। यस मैम, और डी ब्लॉक के लिए आप ग्रुप नंबर क्या करते हो, n माइनस 1d प्लस ns के इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो, यानी कि फिफ्थ ग्रुप बेटा। दिस इज द करेक्ट अप्रोच, ठीक है? यस मैम, यस मैम, ओके। ये वाला क्वेश्चन करना, द एलिमेंट विद एटोमिक नंबर 59 एंड 105 बिलोंग्स टू रिस्पेक्टिवली। बस थोड़ी सी देर और है फिर आपको छोड़ दूंगी। आ रहा है क्या आंसर? यस मैम, यस मैम, आ गया? यस मैम, बताओ डी आ रहा है क्या? नहीं, गलत बेटा, डी वाला है मैम, बी, बी फॉर बॉय, सी होगा, सी वाला ग्रुप 5, तुम सी होगा। 58 to 71 लेंथेनोइड्स। क्वेश्चन इजी है लेकिन बहुत बच्चे गलत करके आएंगे पेपर में। 89 to 103 एक्टिनोइड्स बेटा, ठीक है। और लास्ट 104 से ऊपर वाले और 104 इंक्लूडिंग 104 लास्ट के 2 डिजिट देखो, फिफ्थ ग्रुप का होगा ये, ठीक है? देख लो एक बार ध्यान से, गलती नहीं करनी है। चलो समराइज तुम लोगों को ही करनी है आज की क्लास। उसके बाद बेटा मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ तुम लोगों को, एक मिनट रुकना, इतनी सारी स्लाइड कैसे हो गई भी ऐड, रुकना एक मिनट। अच्छा ठीक है, ये कैसे हो गया, चलो कोई बात नहीं, देखना इधर एक बार। ये देखो, देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट का तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि कब ये कॉन्सेप्ट है क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, ठीक है? देखो मैंने ये एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, इससे तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। पहली बात तो है, जब तुम कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं पढ़ते, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ते हो, ठीक है? तो बच्चे हमारे पास क्या होता है, इसमें हमें एक टारगेट इलेक्ट्रॉन रखना होता है, और जो हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी तरफ हमें बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है? आप लोगों को पता है अगर ये तुम्हारा न्यूक्लियस है और तुम्हारी ये शेल है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है जिसपे मेरी नजरें टिकी हुई है, हमें ये पता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो आपका होता है क्या बोलते हैं, उससे रिपल्शन फेस करता है, ठीक है? Yes, ये पता है। अब हमें ये देखना है कि जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये एक्चुअल कितना चार्ज फील कर पा रहा है, ठीक है? सपोज मान लो सोडियम है, ये सोडियम का प्लस वन होता है, क्या ये प्लस वन का चार्ज ही एक्सपीरियंस कर रहा है, इतना ही चार्ज वो फील कर रहा है, उससे कम कर रहा है, उससे ज्यादा कर रहा है, ठीक है? तो ये चीज हमें देखनी है। अब देखो एक बार ए पॉइंट पढ़ो इसका, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सफर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स। आई होप क्लियर हो गया होगा पॉइंट, ठीक है? द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। मतलब देखो, अगर जितने ज्यादा इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब जितने ज्यादा अंदर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उतना ही बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, बाहर वाला कौन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को शील्ड करके रखेंगे, हाँ या ना, है ना? अगर जितने ज्यादा आपके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को शील्ड करके रखेगा। तो अगर मैं बोलूं, जैसे आपका सोडियम में क्या होता है बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है,
क्या ये 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन प्लस 11 का चार्ज फील कर पा रहा है क्या? नहीं, उससे कम कर पा रहा है, एक्चुअल चार्ज से मतलब प्लस 11 से कम कर पा रहा है, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कितना चार्ज फील कर पा रहा है, वही तुम्हारा क्या होता है बच्चे, वही तुम्हारा होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा, जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है तुम्हारा? स्क्रीनिंग इफेक्ट है, जो रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जेड क्या है तुम्हारा? अट्रैक्शन न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में। एक बार पढ़ना इस लाइन को। ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस, दैट इज टोटल अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंसड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव। क्या वो प्लस 11 है? क्या जेड इफेक्टिव प्लस 11 है? नहीं, 11 से कुछ कम है, ठीक है। तो जितने ज्यादा अंदर के शेल, इनर शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ज्यादा क्या होगा तुम्हारा? शील्ड कर पाएगा। इट मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा उसका, ज्यादा होगा या कम होगा? मतलब उतना ही वो न्यूक्लियस से बचाए हुआ है। सिंपल सा एग्जांपल है, तुम अपने फोन में स्क्रीन गार्ड लगवाते हो, अगर घटिया क्वालिटी का स्क्रीन गार्ड है तो इसको मारो, वो टूटेगी फोन की स्क्रीन, ठीक है। तो ये स्क्रीन गार्ड जो आपने लगाया अपने फोन पे, वो किसकी तरह काम कर रहा है? उसको स्क्रीन ही तो करके रख रहा है फोन की डिस्प्ले को। तो बस यही तो है, ऐसे ही अंदर के इलेक्ट्रॉन्स इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करके रखे हुए हैं, ताकि ये न्यूक्लियस का पूरा चार्ज फील ना कर पाए, ठीक है। तो यही है मेरा मतलब, ठीक है। तो ये देखो नेक्स्ट पॉइंट भी वही है, देयर इज ए, जो भी मैंने बोला, देयर इज ए रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। मैम आपने जो फॉर्मूला बताया था उसमें सिग्मा क्या था बोला था? सिग्मा स्क्रीनिंग इफेक्ट है बेटा। आप लोग एक टॉपिक पढ़ते होंगे बेटा, स्लेटर रूल, आई डोंट नो पढ़ा है या नहीं पढ़ा आप लोगों ने, लेकिन ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। आप उस इन स्लेटर रूल की हेल्प से एक्चुअल मतलब निकाल सकते हो कि जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आएगी, बट आप लोगों को नहीं करना होता, आप लोगों के क्वेश्चन नहीं आते हैं उससे, ठीक है। हो जाएगा, देखना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? Yes, अच्छा। yes. और अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा, अगर ऑर्डर मैं लिखूं, अगर मैं ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट लिखूं तो क्या होगा? एस एस पी डी एफ। ये तुम्हारा नीट का क्वेश्चन हो सकता है, सेम क्वेश्चन ना पूछ के वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें बना दे, ठीक है। एस का सबसे ज्यादा होता है न्यूक्लियस के पास होता है, ज्यादा बेटर तरीके से कर पाएगा। जैसे जैसे आगे जाते रहोगे शील्डिंग इफेक्ट बेकार होता जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं तुम्हारे लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट तुम्हारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूसली बढ़ता है बेटा, क्योंकि साइज छोटा होता है, जो कि मैं कल तुम्हें कराने वाली हूँ। क्योंकि जेड, बस एक बार हमेशा ध्यान रखना बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जेड इफेक्टिव इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कुछ भी नहीं है। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा होगा और साइज उतना ही कम होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना मेरी, बस खत्म। तो तुम्हारा लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव कंटिन्यूसली बढ़ता है, ये देखो दिख रहा होगा 1.95, 2.6, 3.25, 3.90, क्योंकि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। और डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट रहता है, तो इन दैट केस हम बोलते हैं कि जेड इफेक्टिव जो होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देख पा रहे हो ना 1.30, 2.0, वैल्यू याद नहीं करनी है, ठीक है बच्चे। और तुम्हें क्या ध्यान रखना है? ये ध्यान रखना है, इसको एक बार अपनी नोटबुक में लिखो, अगर जिसने लिखा हुआ है नो नीड टू राइट, अगर नहीं लिखा हो तो लिखो। अगर मैं बात करूं बेटा जेड इफेक्टिव फॉर डिफरेंट आयंस, जैसे सपोज तुम्हारे पास एन प्लस है, एन है और एन नेगेटिव है, तो जेड इफेक्टिव क्या होता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज बाय नेगेटिव चार्ज। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उतना साइज छोटा होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सेम, चाहे वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए मैं बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है चीजें, फॉर डिफरेंट आयंस बोल रही हूँ। अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। जैसे तुम्हारे पास, अगर मैं नीचे लिखूं, मेरे पास स्पेस नहीं है, तुम्हारे पास एन प्लस है, एन है, नेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज इसका ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव इसका ज्यादा होगा। अगर तुम यहाँ पे देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे, तो इसको देखो बेरिलियम 3+, बेरिलियम 2+, सॉरी बोरोन 3+, आई एम सो सॉरी, लिथियम प्लस और एच नेगेटिव। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा। यहाँ पे देखो
एम जी टू प्लस एन ए प्लस एफ नेगेटिव ओ टू नेगेटिव एन थ्री नेगेटिव, ये अपनी नोटबुक में लिख लो इसको अभी के अभी, ठीक है? ठीक है, अब मैं आपको मेरी स्लाइड कहाँ गई, ये भी एक मिनट रुको, हाँ ये नहीं मिल गई, ठीक है? अब आपको क्या करना है, जो मैंने छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी चीजें ही करी आज हमने क्लास में, देखो एक घंटे से ऊपर हो गया, एक घंटे से भी नहीं सवा घंटे से ऊपर हो गया, तो आपको वो छोटी छोटी चीजें मुझे बतानी है। आप जल्दी से अपने जो आपने शॉर्ट नोट्स जो भी बनाए हैं वो आप निकालो और मुझे बताना कि मैम आपने ये चीजें हमें लिखवाई है, ठीक है? चलो हो जाओ शुरू। आई होप सबने गूगल फॉर्म फिल कर दिया होगा, मैं एक बार दोबारा शेयर करूं, जिसने नहीं किया वो फिल कर दो प्लीज। अरे मैं नहीं, नहीं साक्षी नहीं बताएगी, साक्षी नहीं बताएगी, कोई और जिसने आज तक मुझे नहीं बताया वो बताएंगे। मैं बताऊं ना, सुंदुस भी नहीं बताएगी, बाकी सोच लो तब तक मैं गूगल फॉर्म। निगम बोलेगा, निगम रुको बस, निगम बोलेगा, बोल मैं। हाँ हाँ मैम, पहले आपने क्वेश्चन कराए थे तीन चार क्वेश्चन, उसके बाद करा हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियड, आपने लिखवाया मैम, बाकी बच्चे चैट बॉक्स में लिख सकते हो। हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करवाया, फिर उसके बाद मैम आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी, ठीक है? उसमें एक फॉर्मूला बताया पीएनजी एनएस एंड माइनस नोबल गैस का प्रीवियस नोबल गैस। हाँ पीएनजी एनएस माइनस टू एफ एन माइनस वन डी और एनपी, वेरी गुड। और उसके बाद मैम आपने करवाई क्या बोलते हैं आईयूपीएसी नियम, हाँ IUPAC नेमिंग कर रही थी बस, उसमें आपने 100 से ऊपर बस आगे और बच्चों से पूछती हूँ। वेरी गुड निगम, अब मुझे बताएगी मुझे बताएंगे मुस्कान यादव। तो फिर आपने बताया, अच्छा ये मुझे ये बताओ IUPAC नेमिंग किसके कौन से वाले एटॉमिक नंबर के लिए थी? 100 से ऊपर वाले, 100 से ऊपर होते हैं भाई, कहां से पूछा है 100 अबव, ठीक है? और उसके बाद मुस्कान मैम फिर आपने बताया कि हम किसी भी एटम का ब्लॉक ग्रुप और पीरियड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसके जो बैलेंस ऑफ शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो जो नंबर आएगा वो डी वो होगा उसका ग्रुप नंबर, वैसे ही पी ब्लॉक में 10 प्लस बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और एस ब्लॉक में तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद मैम आपने बताया न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट, और आपने ये भी बताया कि जो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट है वो डिक्रीज होता है इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। वेरी गुड, बताया तो मैंने ये था, अब सुन लो तुम्हें ध्यान क्या रखना है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इधर आओ, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 5f सॉरी 4f उसके बाद क्या आता है 5d एंड 6p फिर 7s 7s के बाद 5F, 6D, 7P, फिर 8S, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने बताया था, ध्यान से सुन लो, पीरियड नंबर 50, ध्यान से मैं बोलूंगी, 58 टू 71 लेंथेनोइड्स सिक्स्थ पीरियड, 90 टू 103 एक्टिनोइड्स एफ ब्लॉक पीरियड नंबर 7 एफ ब्लॉक, ठीक है? अगर 104 से 118 की बात करूं तो 7th पीरियड रहेगा उनका, और आपको लास्ट टू डिजिट देखने हैं उसके, ठीक है? और वही उसका ग्रुप नंबर होगा, ठीक है? उसके अलावा मैं अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो उनका ग्रुप नंबर थर्ड क्या होता है, थर्ड बी होता है, थर्ड बी। अच्छा उसके अलावा तुम्हें एटॉमिक नंबर दे रखा हो तो 18 प्लस एटॉमिक नंबर माइनस नियरेस्ट जो भी नोबल गैस होगी वो माइनस कर देना, अगर तुम्हारा सम करने के बाद नेगेटिव आ रहा है तो 32 यूज करोगे इंस्टेड ऑफ 18,
ठीक है, अगर तुम्हें एस, अगर तुम्हारा एलिमेंट एस ब्लॉक का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करोगे, पी ब्लॉक का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 करोगे, डी ब्लॉक का है तो एन माइनस 1 डी प्लस एन एस इलेक्ट्रॉन एड करके तुम्हारा ग्रुप नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखा हमने, देखा इनर्शियल इलेक्ट्रॉन की वजह से जो आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअल चार्ज फील नहीं कर पा रहा जितना उसको करना चाहिए था। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूसली बढ़ता है। अब मैं डिटेल में नहीं कराऊंगी, कल अपा को, क्योंकि पीरियोडिक ट्रेंड्स कवर करने हैं बेटा। ठीक है, और टॉप टू बॉटम रिमेन कॉन्स्टेंट, और ये ध्यान रखना फॉर आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और फॉर मतलब किसी भी आयंस के लिए अगर मैं बात करूं, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज बाय नेगेटिव चार्ज होता है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना साइज क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, और ये भी याद रख सकते हो जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो ये कर लेना, क्वेश्चन कर लेना, ये देखना एक बार क्वेश्चन दिए कुछ मैंने, और नेक्स्ट क्लास में मैं पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड, ट्रेंड्स कौन से हैं तुम्हारे, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन वो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये कहने की बात है, बहुत बड़े बड़े इनमें काफी चीजें आती हैं, तो ट्राई करेंगे कि ये तीनों तो कवर कर ही ले, और लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कुछ एसिडिक बेसिक ऑक्साइड्स के बारे में करेंगे। तो ये क्या हुआ बेटा, हाँ ठीक है, तो ये करेंगे, और लास्ट में थैंक यू सो मच, इस चैप्टर को अच्छे से करना है ताकि इससे आपके 2 क्वेश्चन आए और उसमें आपके 8 नंबर आने चाहिए, और मुझे पक्का पता है कि आज आपको और चीजें डेफिनेटली पता चली होंगी जो आप लोगों ने अपने पहले नोट्स में नहीं ऐड की थी, तो कर लेना उन चीजों को। ठीक है, अपनी कल क्लास है ना? यस मैम, यस मैम। तो कल मैं फिर इसको कंटिन्यू करूंगी एंड देन